उसके बाद ये टच पैड को हम लगाए हैं। टच पैड को लगाने के लिए इजीली इसके जो फोर्स से आराम से दबा लेंगे। उसके बाद ये कनेक्टर से टच पैड को कनेक्ट करना है, ये पोर्ट से इनको आराम से लगाना है कार्ड से।
स्क्रू चार जो है हार्ड डिस्क के हैं, इनको अपने को अच्छे से टाइट करना है ताकि हार्ड डिस्क हमारी हिले डोले ना। तो करना क्या है एक बार बस ये स्क्रू। इसकी चारों बाउंड्री एक बार चारों तरफ से टाइट हो जाए अच्छे से, फिर हम लेके कर सब उठा लेंगे। ये भी लग गया अच्छे से, इसको मोड़ लिया, इसको यहाँ लगा दिया, उसके बाद फिर से एक स्क्रू मैंने लिया और उसको इस कॉर्नर पर लगा दिया। कुछ स्क्रू ख़राब से हो जाते हैं उनको बीच में लगा दो, जो अच्छे अच्छे हैं टाइट हैं अच्छे से काम कर रहे हैं उनको चारों कोने पे लगा दो। अब देखते क्या है कि इसके बाद हमको करना क्या है। ये सारे पोर्शन लग ही गए, हार्ड अब इनको अंदर वाले स्क्रू से टाइट कर देते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ लगा दिया है, ऐसे धीरे धीरे सारे स्क्रू लगाती है। ये भी लगा था, उसके बाद और ऐसे देखो ये बैटरी लगाई, उसके बाद अपन चेक करेंगे हमारे लिए रेट हो गया, लॉक कर दिया है, उसके बाद बंद किया और हमारा लैपटॉप चालू। इसलिए फ्रेंड अब आपको इस तरह से और भी आगे वीडियो दिखाते रहेंगे। वीडियो हमारे देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।